छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को जवाब देना होगा कि आज कानून व्यवस्था क्यों बिगड़ी हुई है, नक्सली गतिविधियां और आदिवासी समुदायों के खिलाफ क्रूरता क्यों बढ़ी है। हमारी सरकार के दौरान अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस था, भाजपा सरकार में नक्सली गतिविधियां क्यों बढ़ी है। वही छत्तीसगढ़ भाजपा के किरण देव ने कहा कि सरकार न केवल पिछली कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को मिटा देगी बल्कि ऐसा करने वालों को दंडित भी करेगी। मेरा तो इतने कहना है कि आपके सरकार के समय आपने क्या किया है उस पर भी थोड़ा सा बातचीत होनी चाहिए, विषय विस्तार से चर्चा होगी तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस पर टिप्पणी इसलिए नहीं कि इस पर सभी प्रकार से अन्य विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद और जितने भी ऐसे काम पिछली सरकार में जिस तरीके से भय का, भ्रष्टाचार का, प्रलोभन का और जिस तरीके से अत्याचार, अनाचार, दुराचार के वो हुआ है, निश्चित रूप से उस पर सब पे विराम ही नहीं लगेगा और उचितों के ऊपर कार्रवाई भी। कांग्रेस के समय क्या हुआ था, क्या हुआ था, आपके पास सरकार से जांच करवा लीजिए, लेकिन अभी तो जवाब दीजिए कि आपके समय में ऐसा क्यों हो रहा है। आज प्रदेश की जो कानून व्यवस्था खराब है, नक्सली गतिविधियां बढ़ गई हैं, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो, इसके बारे में जवाब आपको देना होगा। देखिए देखिए बयान कोई बयानबाजी करने के बजाय कार्रवाई करिए। निश्चित तौर पर हमारी सरकार के समय तो हमने अपराधों पर जीरो टॉलरेंस के विषय में काम किया। हमारी सरकार के समय विश्वास, विकास, सुरक्षा की नीति लेकर चले हम, तो आपकी केंद्र सरकार बोलती थी छत्तीसगढ़ में 80% नक्सलवादी गतिविधियों में कमी आई है। भाजपा की सरकार बनने के बाद नक्सली गतिविधियां क्यों बढ़ गई? प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने का काम हमने किया था। हमारी सरकार जाने के बाद राजधानी में गोली चलती है, सरेआम मर्डर होता है, लोगों में हताशा की स्थिति यह है कि लगातार लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। अब आप विपक्ष पर आरोप लगाने के बजाय कुछ करके दिखाइए। आपको सरकार इसलिए नहीं दिया गया कि आप सिर्फ गाल बजाएं।